हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वेट को कैसे गेन करें। दोस्तों दरअसल मैं आपसे एक अपना अनुभव शेयर करूँगा। कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको वेट अपना गेन करना था। उसका वेट था 50 kg और वो चाहती थी कि 55 kg हो जाए। तो उससे मैंने क्या क्या बातें करी और उसको क्या मैंने मेडिसिंस दिए, क्या क्या उसको सजेशंस दिए, आज मैं वही आप अपना अनुभव आपसे मैं शेयर करूँगा। दोस्तों तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि वेट गेन होता कैसे है या वेट लॉस कैसे होता है। दोस्तों वेट गेन का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कैलोरी जो कि पर डे आपकी रिक्वायर्ड है प्रतिदिन की, अगर आप उससे कम कैलोरी ले पाते हैं तो आपका वेट लॉस होगा, और अगर आप जितना है या उससे प्लस आप ले रहे हैं कैलोरी पर डे का तो वो आपका वेट गेन होगा। ये एक सिंपल सा फार्मूला दोस्तों, और यही बातें मैंने उससे कहा भी। तो दोस्तों ये बड़ा समझने की बात है कि वेट गेन करने के लिए हमको क्या करना है। पहली चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी जो कैलोरी है उसको बढ़ानी है, ठीक है। अब सपोज़ कोई भी पर्सन है, उसकी रिक्वायरमेंट फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा काम करता है, उसका वेट की जो कंडीशन है वो ये मान के चलिए कि आवश्यकता है उसको अच्छे से वेट गेन करने की, और वर्कआउट भी ज़्यादा है लेकिन कैलोरी कम ले रहा है, तो आपको क्या लगता है वेट गेन होगा नहीं होगा। दोस्तों कितना भी खा ले पी ले, उसको हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपने जो वेट गेन करने के लिए जो फॉर्मूला है कैलोरी का, उसको आप सही से अप्लाई करना पड़ेगा। सही से अप्लाई करने का मतलब क्या है? सही से अप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर उसकी आवश्यकता, मान लीजिए अगर वर्कआउट ज़्यादा है, 3000 कैलोरी की उसकी आवश्यकता है प्रतिदिन की, तो उसको अपने खाने पीने में ऐसी चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा जिसके अंदर कैलोरी ज़्यादा है और वो उसको फुलफिल कर पाए, उससे प्लस हो, एटलीस्ट उससे प्लस हो। भाई ज़्यादा काम भी करना है तो कम से कम 3500 कैलोरी ले, ताकि 500 कैलोरी पर डे की उसके अंदर इकट्ठा होती जाए। तो इस तरीके से दोस्तों वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। यही बातें मैंने कल उसको समझाई भी थी कि आपने वेट गेन करना है तो इसका ध्यान देना है कि आपको कैलोरी की मात्रा को बढ़ानी है। अब आपने ये देखना है कि आपको भूख लगती है कि नहीं लगती, क्योंकि आपको भूख लगेगी तभी आपका कुछ खा पी पाएंगे, तभी आपका वेट गेन होगा। तो ये भी समझना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ कि भूख लग रही कि नहीं लग रही है, दूसरी चीज़ कि शरीर में जितने विटामिन या हम एक्चुअल बात करें विटामिन तो ही है, साथ में जो कैलोरी की बात मैं कर रहा था कि कैलोरी जितनी आवश्यकता है उतनी हम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो वही चीज़ मैंने उससे भी समझाया था कि वेट गेन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना, साथ में कैलोरी के हिसाब से लेना। दूसरी चीज़ उसको जो मैंने अपनी दवा दी थी उसमें वेट गेन करने के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ही बेहतरीन दवा है अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर फॉर्म में, 15 बूंद सुबह दोपहर शाम या 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी के साथ में, इसको लेने से वेट गेन होता है। अगर कोई अंदर प्रॉब्लम है, ये एक तो जनरल मेडिसिन होगी, कोई अगर प्रॉब्लम अंदर चल रही है दोस्तों तो उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए हमको ऐसी कोई चीज़ लेनी है जो कि वेट गेन करने में मदद करे। अब अंदर ऐसी कौन सी चीज़ लेंगे? तो अब जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस वजह से ऐसी कंडीशन के अंदर आ जाते हैं जिससे वेट हमारा लॉस होने लगता है। एक तो मेंटल टेंशन, दिमाग में तनाव बहुत ज़्यादा हो तो हमको क्या करना है? तनाव को कम करना है। अब किसी को तनाव अगर है तो हमको उससे संबंधित दवा उसको देनी है, जैसे नेट्रेम्यूर है। किसी को अगर तनाव है और उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है तो वहाँ पे नेट्रेम्यूर, सीपिया और इग्नेशिया, ये दवाएँ अच्छा काम करती हैं। वेट लॉस के साथ साथ में अगर पेशेंट को ठंडे पानी पीने की चाह बहुत ज़्यादा है, ठंडा पानी उसको अच्छा लगता है, तो वहाँ पर फास्फोरस देंगे दोस्तों। वेट लॉस के साथ साथ में खून की कमी भी है तो वहाँ पे नेट्रेम्यूर, चाइना, फेरामेट ये दवाएं भी साथ में देते हैं ताकि खून बने, ठीक है। और साथ में मदर टिंचर फॉर्म में आपने लेना है अल्फा अल्फा। तो मैंने यही दवा भी उसको दिया था अल्फा अल्फा मदर टिंचर में, नेट्रेम्यूर और चाइना दिया था 200 पावर में,
सुबह दोपहर शाम खाने के लिए, और बाद में जैसे जैसे थोड़ा सा रिलीफ होता जाएगा तो इसकी डोज को कम कर देंगे, क्योंकि 200 पावर की है तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस का नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको बाद में कम भी करेंगे। तो ये दोस्तों बड़ा समझना आवश्यक है कि किस पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, कब देनी है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया वेट गेन के बारे में। तो अब ऐसे ही अगर हम वेट लॉस की भी बात करें तो वेट लॉस में भी लगभग ये यही कंडीशन होती है। वेट लॉस के बारे में आपको अलग से कोई वीडियो बना दूंगा जिसमें वेट लॉस के बारे में अच्छे से मैं समझाऊंगा, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वेट गेन के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ अगर रह जाती है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहते हैं तो उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मेरा अनुभव आज का मकसद था कि अपना जो अनुभव था कल का वो मैं आपसे शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। तो जानकारी से मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, और फ़ायदा हो तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि वो भी लोग इससे फ़ायदा ले सकें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।